आज मैं कुछ करने निकल पड़ी हूँ। मैं सही हूँ या गलत ये मुझे नहीं मालूम। अर्चना थोड़ी देर संभालेगी कशिश को, एक जरूरी काम आ गया है। हाँ हाँ शालिनी बिल्कुल। बेटा कशिश आंटी को तंग मत करना। जल्दी आना मम्मी। मैं वापस आऊंगी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। ए डॉली चल बाहर। आज जो करने जा रही हूं ये मुझे सालों पहले करना चाहिए था। कि कभी उनमें एक जिंदगी मेरी भी होगी। एक अरसे से हमारी बर्बादी लिखित थी, बस ये एक लड़की कोमल आई और तकदीर का लिखा सच कर गई। क्यों कोमल अपना रास्ता खो बैठी, क्यों भटकती भटकती हमारी राह से गुजरी, क्यों हमारी जिंदगी से टकरा गई। जो बोया जाता है वही पाया जाता है। जुर्म का बीज कब और कैसा जहरीला फल बनकर अपनों की ही नसों में फैल जाता है ये कह पाना नामुमकिन है। इस केस में भी एक घातक बीज सालों पहले बोया गया था और जहर फैला सितंबर 2017 में, जब शालिनी डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल में बैठी अपने पति राजन पाटीदार का इंतजार कर रही थी। आज फिर लेट है तुम्हारा पति शालिनी। The number you have called is currently switched off. फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है राजन आज भी नहीं आने वाला। तो अब मैसेज कर देती हूँ, कल का टाइम दे देती हूँ। लेकिन अगर कल भी राजन नहीं आया ना शालिनी, तो मेंटेनेंस और एलिमनी के क्लेम पेपर्स बना देते हैं, फाइल कर देते हैं कोर्ट में। शालिनी का पति राजन अब उसे कभी नहीं मिलने वाला था। दरअसल राजन के घर में दो लाशें पड़ी थी। और किसी ने उनको घर से बाहर जाते हुए देखा भी नहीं। ऊपर से बदबू, सर ये कोई चूहा मरने की बदबू नहीं है सर, जरूर कोई गड़बड़ है। नरेंद्र जी रिटायर्ड बुजुर्ग है, मोबाइल फोन नहीं रखते और उनके बेटे राजन का फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। मैं राजन की दुकान पे भी गया था सर, वो कल से वहां पर भी नहीं आया। रिश्तेदार है इनका कोई? हाँ उनके छोटे भाई प्रकाश जी है, अहमदिया रोड पे रहते हैं, उनको फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। सया कुछ तो हुआ है। मुकेश जी क्या हुआ? पता नहीं पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, पुलिस गई है अंदर। सर यहाँ एक और है। ये मेरे बड़े भाई है नरेंद्र पाटीदार। ये नरेंद्र जी का बेटा राजन है। ये सब कैसे हो गया? यही तो पता करना है।
राजन का फोन उसकी लाश के पास मिला, स्विच ऑफ था। घर में कैश था जिसे छुआ तक नहीं गया था, पर क्राइम सीन को लूट का रंग जरूर दिया गया था। विक्टिम्स के घर के बाहर खड़ी दोनों मोटरबाइक्स ने भी हमारे शक का एंटीना खड़ा किया कि कौन घर में दाखिल हुआ होगा और ये डबल मर्डर किया होगा। ये दोनों बाइक्स बाप बेटे की हैं। सर ये वाली राजन भैया की है और ये पता नहीं। मोहल्ले में ऐसा कोई है जो अपनी बाइक यहाँ पार्क करता है? सर मुझे तो नहीं लगता, पर पता करता हूँ। जल्दी पता कर। सर शराब की बोतल तकरीबन खाली है पर कोई ग्लासेस नहीं मिले। खाने की कोई प्लेट्स वगैरह नहीं मिले? नहीं सर, शायद एक से ज्यादा हत्यारे थे, जाने से पहले सब कुछ साफ करके चले गए, या फिर सर सिर्फ यही दोनों मर्द रहते थे इस घर में। हो सकता है खाना ही ना बना, बाप बेटे का घर से बाहर जाकर खाने का प्लान हो, या फिर कुछ और। कत्ल कल रात हुए होंगे या सुबह? 16 सितंबर की सुबह 5:30 से 6:30 के बीच। अटैक बहुत भयंकर था इंस्पेक्टर, हमले के लिए चाकू या चॉपर का इस्तेमाल किया गया। और नरेंद्र? सर पर एक घाव है जो शायद बाथरूम में गिरने से हुआ हो। यानी दोनों बॉडी 16 सितंबर को पूरा दिन और आज सुबह 11:30 बजे तक घर पर ही पड़ी हुई थी, तब जाकर पड़ोसियों को सड़न की बुआई। आपने कहा घर बाहर से बंद था, तो घर पर दो दिन तक कोई आया है नहीं, अखबार वाला, दूध वाला या कोई और? सर मैंने ये ताला पहले कभी नहीं देखा इनके दरवाजे पे, तो मुझे नहीं पता ये इनका है या किसी और का। मोनू तुम्हारे फादर प्रकाश ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे। सर दरअसल पापा और नरेंद्र ताऊजी के बीच में 10 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है, और पापा तो इस घर में कई साल बाद आ रहे हैं। क्यों? सर राजन शादीशुदा था, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि किसी ने भी राजन की पत्नी शालिनी को पिछले 5-6 महीनों से देखा ही नहीं। मोनू राजन की पत्नी शालिनी कहाँ है? सर वो राजन भैया और शालिनी भाभी अलग हुए थे, माने अलग अलग रह रहे थे। शालिनी भाभी मायके में अपनी बेटी कशिश और दोनों भाइयों के साथ रह रही हैं। तो इस बारे में शालिनी को खबर की है? नहीं की है सर, पड़ोसियों में से किसी के भी पास ना ही उसका नंबर है ना ही पता। नंबर मेरे पास है मैडम। हेलो शालिनी पाटीदार। जी बोल रही हूँ। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देविका साहू बोल रही हूँ, तुम्हारे पति राजन के घर से। बात क्या है जी? तुम्हारे पति राजन और ससुर नरेंद्र दोनों की हत्या हुई है। शालिनी कैसे, कब हुआ ये? सर राजन के घर के बाहर जो दूसरी बाइक खड़ी मिली वो किसी मोहल्ले वाले की नहीं है। तो फिर राजन के घर के बाहर क्यों खड़ी थी? अभी तक पता नहीं है सर, बाइक का नंबर आरटीओ भेजा है। सर अगर ये नंबर प्लेट जाली होगा तो बाइक हत्यारों की हो सकती है। ये नरेंद्र पाटीदार रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे? जी हाँ सर, म्यूनिसिपल स्कूल से बतौर वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए। और बेटा राजन? राजन की कोई फिक्स नौकरी नहीं थी सर, ये लोगों को पैसे उधार दिया करता था, साहूकारी करता था। उधार देने के लिए पैसे आते कहाँ से थे इसके पास? अभी तक क्लियर नहीं है सर। वैसे मोहल्ले वालों का कहना है कि बाप नरेंद्र के पीएफ के पैसों से इसने एक दुकान खरीद रखी थी, ये वहीं से साहूकारी करता था। और राजन की पत्नी शालिनी? शनाख्त के लिए गई सर। राजन पाटीदार ब्याज पर पैसे देता था, तो कहीं लेन देन की गड़बड़ी में तो इसका मर्डर नहीं हुआ है, या फिर कोई पर्सनल एंगल है? सर राजन की बॉडी पर 11 स्टेप्स हैं, 1 से 1 गहरे, मामला लगता तो पर्सनली। अगर कोई पर्सनल मामला होता तो हमें कैसे पता होगा सर? सर इन दोनों का ज़्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं था, और नरेंद्र जी के रिटायर होने के बाद में वो पूरा दिन घर पे ही होते थे, और सुबह शाम यहाँ कुर्सी पर बैठकर वो धूप सेका करते थे। बड़े सीधे साधे थे नरेंद्र जी, न कभी किसी से झगड़ा न ही कोई बोलचाल। ये राजन की पत्नी शालिनी राजन से अलग कब हुई और क्यों? कुछ महीने पहले शालिनी यहाँ से चली गई थी, लेकिन क्यों गई थी ये पता नहीं है सर। नरेंद्र जी की अपने छोटे भाई प्रकाश पाटीदार से बनती नहीं थी, आना जाना भी नहीं था एक दूसरे के घर पे, पर किसी का तो आना जाना होगा ही। अच्छा नरेंद्र जी के घर पे कोई कामवाली भी नहीं आती थी क्या? सर एक है, कभी कभार देखा है उसको यहाँ आते जाते हुए, उसका नाम बाबूराम है। राम राम नरेंद्र जी।
अरे राम राम बाबू राम, आजा। कहाँ मिलेगा ये बाबू राम? सर ये तो पता नहीं, पर उसका नाम बाबू राम है इतना जानते हैं, और शायद वो नरेंद्र जी का कोई जानने वाला है, पर उसे भी कई दिनों से देखा नहीं आते हुए। आप शालिनी से पूछिए, उसे पक्का पता होगा बाबू राम के बारे में। आप लोगों को कुछ तो पता होगा, राजन और शालिनी अलग क्यों हुए? ये तो पता नहीं सर, लेकिन हवा में ये खबर जरूर आई थी कि शालिनी ने अपने दोनों छोटे भाइयों को यहाँ बुला लिया था। शायद यही बात राजन को रास नहीं आई हो। जी ये बात सच है, राजन को ये बात पसंद नहीं थी कि मैंने मेरे छोटे भाइयों को बुलाया था हमारे घर रहने। कितने छोटे हैं तुम्हारे दोनों भाई? नाबालिग है, अमित 16 का है और उससे छोटा अतुल 14 का होगा अगले महीने। बहुत भयंकर तरीके से हत्या हुई तुम्हारे पति और ससुर की, कुछ अंदाजा है क्यों हुआ ऐसा? किसी पर शक है? क्या बताऊं सर, मैं तो वहां थी भी नहीं। दरअसल मैं तो कल राजन का इंतजार कर रही थी डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल पर, वो आए नहीं, फिर मैं घर भी गई पर बाहर ताला लगा था। तुम्हारे और राजन के बीच में मसला क्या था? सिर्फ इतना ही कि राजन अपने घर में तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों को रहने नहीं देना चाहता था? जी, मेरे छोटे भाई नाबालिग हैं अभी, उन्हें मेरी जरूरत है, लेकिन ये बात राजन कभी समझते ही नहीं थे। कुछ दिन तो रहने दीजिए राजन, उनका और कोई नहीं है। हमारी बच्ची कशिश का भी हमारे सिवा कोई नहीं है शालिनी। क्या मैंने कशिश की परवरिश में कोई लापरवाही की? आगे भी ना हो इसलिए कह रहा हूं। और ये क्या तुमने सब कुछ अपने सर पे ले रखा है? हा? तुम्हारी बहन सोनिया भी तो है, वो भी तो कुछ कर सकती है उनके लिए। मैं बड़ी हूँ राजन, मेरी जिम्मेदारी बनती है। और अपने परिवार के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो शालिनी, बहुत हो गया, अमित और अतुल से कहो कि आज ही जाए यहां से, मैं उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता अब, और इसे मेरा ऑर्डर समझो, और आज के बाद इस पर कोई बहस नहीं होगी। तुम्हारी बहन सोनिया वो कहाँ रहती है? यहीं भोपाल में, पर वो बेचारी तो अपनी तकलीफों से जूझ रही है। पिछले ही महीने उसके पति धीरज का एक्सीडेंट हुआ था, सोनिया घर पर ही उसकी देखभाल करती है। ऐसे में अमित और अतुल को कैसे भेजती मैं उसके पास? सिद्धेश सुन, मेरे मैनेजर अश्विन जी का घर पता है ना तुझे? तुरंत जा जाकर बोल दे, मैं जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप धीरज भैया, आप आराम करिए अभी, या लंबी छुट्टी ले लीजिए, या बाद में कोई दूसरी नौकरी देख लेना। आप ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी हालत में आप काम कैसे करेंगे? सोनिया अगर ऐसे ही बैठा रहा ना तो मेरी हालत और भी बिगड़ती चली जाएगी। अब भैया जो हो गया सो हो गया ना, अभी आप सिर्फ ठीक होने की सोचिए। अच्छा मैं चलता हूँ। मेरे सामने राजन ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, इसीलिए मैं मजबूरन कशिश को लेकर अपने मायके चली गई अमित और अतुल के साथ। तुम्हारे मायके में तुम्हारे माँ बाप नहीं है? मेरे पिताजी मेरी माँ को काफी समय पहले छोड़कर चले गए थे, याद भी नहीं कब, मैं बहुत छोटी थी शायद। और माँ? माँ भी कुछ महीनों पहले अचानक से छोड़कर चली गई बिना कुछ बोले। कोई तो कारण होगा। मेरी माँ बहुत ज्यादा मायूस रहती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में, बस एक दिन उठकर चली गई। पर कहाँ गई? किसी रिश्तेदार के यहाँ या फिर कहीं और? कुछ पता नहीं सर, बस इतना पता है कि मेरी माँ मेरे दोनों छोटे भाइयों को अकेला छोड़कर चली गई। तुमने राजन का घर छोड़ दिया, तभी डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल में क्या मसला चल रहा था तुम दोनों के बीच? राजन के घर से चले जाने के बाद राजन आए दिन मेरे मायके आते, मुझ पर दबाव डालते,
मुझे खूब पीटते और एक ही बात बोलते कि वापस आ जाओ कशिश के साथ। तो मेरा घर बर्बाद करेगा तू? तो उससे शादी करके बहुत बड़ी कर रही थी कि मैंने आपके पिताजी की सेवा बहुत शिद्दत से की है। कभी कहा आपसे कि वो हमारे साथ नहीं रह सकते? या कभी कहा कि आप उनकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते? अरे बाबा है मेरे वो, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। देख, या तो तू चुपचाप कशिश को लेकर घर आ जा, वरना तलाक का नोटिस भेजता हूं तेरे पास में। उसका नाक रगड़ती हुई आएगी ना तो भी मेरे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा तेरे लिए, याद रखना। आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते राजन। मैं पल्ला झाड़ रहा हूं जिम्मेदारियों से? बिल्कुल अपने मां के नक्शे कदम पर चल रही हूं, जैसी मां वैसी बेटी। आए दिन वो आते, मुझे पीटते, रोज रोज के हंगामे से तंग आ गई थी मैं। फिर एक दिन हिम्मत करके पुलिस कंप्लेन कर दी, फिर राजा ने डाइवोर्स की धमकी दी। लेकिन मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए था, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए थी, मेरा परिवार चाहिए था। लेकिन मुझ पर जिम्मेदारियां भी तो थी, अपने दोनों भाइयों की, मुझे दोनों घर संभालने थे, मेरा अपना और मेरे भाइयों का। क्या कोई पाप है, गुनाह है कि एक औरत अगर अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना चाहे? शालिनी, ये बाबूराम कहाँ मिलेगा? वो तो मेरे ससुर जी के कुछ पर्सनल काम से आया करते थे, मेरे जाने के बाद अगर उन्हें रखा गया होगा तो मुझे नहीं पता, वरना 7 महीने पहले तक तो घर का सारा काम मैं ही करती थी, हर काम खुशी खुशी करती थी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। मेरी बेटी, मेरे पति, ससुर जी, सबका ख्याल रखती थी। इस बाबूराम का हमारे पास कोई फोटो नहीं है, ना कोई नंबर है, ना कोई पता। गरोड़िया नगर में भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है गुरु। और 15 सितंबर से ये बंदा आया भी नहीं है काम पे। बिल्कुल, और जिस तरह से ये दोनों कत्ल हुए, ये कोई निजी दुश्मनी का मामला लगता है गुरु। कोई चोरी हुई हो ऐसा लगता नहीं है, पर चोरी का रंग देने की कोशिश की गई। लग जाता हूँ इस बाबूराम को खोज निकालने में, हो सकता है बाबूराम कत्ल की कड़ी हो या फिर कत्ल का जरिया। कत्ल में शालिनी का हाथ भी हो सकता है, पर इस वक्त कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल से पता करो कि राजन और शालिनी के मसले की हकीकत क्या है। एक और बात है सर, शालिनी का इस कत्ल में हाथ हो या ना हो, मुझे लगता है कि वो हमसे जरूर कुछ छुपा रही है, सब कुछ खुलकर नहीं बता रही है। लोग झूठ बोल सकते हैं, सच को छिपा सकते हैं, पर सच के पदचिन्ह सामने दिख ही जाते हैं और झूठ के दरवाजे तक ले ही जाते हैं। सर, हमने राजन पाटीदार के फोन का पासवर्ड क्रैक कर लिया। 15 सितंबर की रात 1:45 यानी 16 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग उसका फोन एक्टिव, बात हुई थी किसी से। कॉल राजन ने किया था या किसी ने उसे किया था? उसे कॉल आया था किसी मोनू नाम के बंदे का। मोनू? मोनू पाटीदार? ये मोनू पाटीदार तो विक्टिम का चचेरा भाई है, और उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, मेरी 15 सितंबर की रात को राजन भैया से बात हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम वो मुझे याद नहीं है सर। 15 की रात 1:45 यानी कि 16 तारीख की सुबह बात हुई थी तुम्हारी? हाँ सर, देर रात बात हुई थी। तो बिना देर की हमारे थाने पहुंचा। हम भी तो जाने कि रात को 1:45 तुम्हारी राजन के साथ ऐसी भी क्या बात हुई थी, उसकी मौत से कुछ ही देर पहले। सत्रह सितंबर की डेट दी थी मैंने राजन पाटीदार को कि आए यहां और अपना जो भी फैसला है हमें बता दें, डिवोर्स लेना है या सुलह करनी है। और इस आखिरी फैसले के पहले ही राजन का मर्डर हो गया, और उसके पिता नरेंद्र का भी। ऐसा है ना देविका, मैं पक्का तो नहीं बोल सकती कि इस डबल मर्डर में शालिनी का हाथ है या नहीं, लेकिन हाँ, 17 सितंबर को शालिनी यहीं बैठी थी राजन का इंतजार करते हुए। अब वो ड्रामा कर रही थी या सच में इंतजार कर रही थी, ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आखिर मैं एक काउंसलर हूँ, जासूस नहीं। वंदना, आपको क्या लगता है, क्या राजन शालिनी से सच में डिवोर्स लेना चाह रहा था या सुलह करना चाह रहा था? सच बोलूँ ना तो मुझे ये राजन का कैरेक्टर बिल्कुल समझ में नहीं आया, और ना ही ये समझ में आया कि शालिनी के माइंड में क्या चल रहा है। क्यों? ये केस हमारे पास बतौर कंप्लेंट आया था शालिनी की तरफ से कि राजन उसे मारता है, और जब मैं इन दोनों को साथ में बिठाकर यहाँ सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी तब राजन ने कह दिया कि उसे डिवोर्स चाहिए। ठीक है बहुत हो गया, इस बात को यहीं खत्म कर दें, मैं तलाक के लिए राजी हूँ। अगर दोनों का यही फैसला है तो बिना लड़ाई झगड़े के कर देते हैं डिवोर्स, क्यों शालिनी?
मैंने अभी तक डाइवोर्स का नाम तक नहीं लिया, मुझे नहीं चाहिए डाइवोर्स। तो और क्या चाहिए तुझे? हाँ, दोनों की सवारी करेगी, एक तरफ अपने मायके की चाकरी करेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला सड़ता रहूंगा, ना शादी का सुख ना औलाद का सुख। मैं घर लौटने को तैयार हूं। पहले राजन ने एकाएक डिवोर्स की बात करके चौंका दिया और फिर शालिनी जो हमारे पास घरेलू हिंसा की फरियाद लेकर आई थी एकदम से उसके साथ घर लौटने को तैयार हो गई। क्योंकि राजन ने डिवोर्स की बात कही, शायद यही वजह रही होगी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब राजन से मैंने कहा कि डिवोर्स के बाद कितने खर्चे होंगे एलिमनी और मेंटेनेंस को लेकर, तो फिर से पलट गया, कहा कि मुझे मंजूर है शालिनी मेरे साथ घर लौटे। 17 सितंबर को फुल एंड फाइनल करना था कि डिवोर्स चाहिए या साथ में रहना है, लेकिन उसके पहले ही मर्डर हो गया। अब बात हो ही रही है तो एक बात और बता दूं, मुझे हमेशा ही डाउट रहा है कि शालिनी की अपने पति के घर छोड़ने की वजह कुछ और ही है। मतलब अपने भाइयों की देखभाल करने के अलावा कोई दूसरी वजह? हाँ, मेरे पास इस बात का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस पति पत्नी के बीच कोई और है। शालिनी का या राजन का? राजन। मनु, तूने हमें इस कॉल के बारे में क्यों नहीं बताया? तूने राजन को रात को 2:45 बजे फोन किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राजन का कत्ल सुबह 5:30 से 6:30 के बीच हुआ। मनु, कत्ल के पहले राजन ने किसी के साथ बैठकर काफी शराब पी थी, क्या वो तू था? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो घर पे था, घर ही से फोन किया था। रात के 2:45 बजे या तो कोई इमरजेंसी में फोन करता है या फिर प्रेम में। सर, वो मैंने राजन भैया को इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं उनसे 3 लाख का लोन लेने के लिए तैयार हूँ। और ये रात को 2:45 बजे कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सर, उसके एक दिन पहले 15 की शाम को राजन भैया मेरी दुकान पे आए थे और ये ऑफर की बात तो एक अरसे से हम करते आ रहे थे। कैसा ऑफर? यही सर कि राजन भैया मेरे लिए पैसों का इंतजाम करने वाले थे लोन के लिए। और राजन ये इंतजाम कैसे करने वाला था? घर बेच के। तो क्या सच में घर बेच रहे हो आप? अब अच्छा ऑफर मिल रहा है तो क्या करूं? देख, दुकान तो ही है, वहीं ऊपर एक कमरा बना दूंगा, बाबूजी वहां शिफ्ट हो जाएंगे और मैं नीचे दुकान में, और घर का पैसे डाल दूंगा रोलिंग में, ऐश करूंगा। और शालिनी भाभी और कशिश, वो दोनों वापस नहीं आ रहे हैं क्या? उनकी छोड़, काम की बात कर, तुझे नई दुकान डालनी है ना, यही सही मौका है। मैं तुझे बैंक से भी कम ब्याज पर लोन दूंगा, तेरा भी काम आसान हो जाएगा, मेरा ही फायदा। मैं सोच के बताता हूँ भैया। सोच, लेकिन ज्यादा मत, गरम पैसा हमेशा हाथ में नहीं रहता, सब लोन मांग रहे हैं। अब तू तो अपना खून है, तेरा फायदा मेरा फायदा, मतलब इससे अच्छा आइडिया क्या हो सकता है? घर का पैसा घर में ही रहेगा ना। मैं ही हिचकिचा रहा था क्योंकि मैंने सुन रखा था राजन भैया के तरीकों के बारे में। कैसे तरीके? सर, राजन भैया कोई लोन की किस्त देने में एक दिन भी लेट करता ना तो उसको बहुत जलील करते, खूब खरी खोटी सुनाते, तू तड़ाक में बात करते, गिरवी में कोई ना कोई सामान उठवा लेते। मुझे ये सब में नहीं पढ़ना था, लेकिन कम ब्याज का लालच था तो बस मैं रात में सोचने बैठा और फोन लगा दिया उन्हें। सर, यकीन कीजिए मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। राजन घर कैसे बेच रहा था और शालिनी को यह बात पता थी कि राजन घर बेच रहा है? इन दोनों के बीच सुलह होने वाली थी, डिवोर्स? ये सब मुझे कैसे पता होता सर? तभी सामने से खुद मैंने पूछा राजन भैया से, शालिनी भाभी और कशिश उनका क्या होगा घर बेचने के बाद? मजा नहीं आ रहा है मनु तेरे झूठ में, चल अब सच बोलते, तेरे नरेंद्र ताऊ और राजन भैया को किसने मारा? सर, मुझे कैसे पता होगा सर? आप मेरे मम्मी पापा से पूछे, आप वो जो फोन लोकेशन निकालते हैं ना सर, फोन लोकेशन निकाली, आपको मेरे घर की लोकेशन मिलेगी। तुझे पता है हम फोन की लोकेशन भी निकालते हैं? सर, टीवी पे हर क्राइम शो में तो वही दिखाते हैं ना। और ये भी दिखाते हैं कि शातिर से शातिर क्रिमिनल आखिर में पकड़ा ही जाता है। सर, सर मैं कोई क्रिमिनल विमिनल नहीं हूँ सर, मैं उस रात घर पे था, पूरी रात घर पे था सर। झोल है। जी सर। सर, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि राजन घर बेचने वाला हो, शालिनी को इसकी भनक तक ना हो? मुझे लगता है यहाँ कुछ लोग बहुत कुछ बोल नहीं रहे। अगर राजन का इरादा सच में घर बेचने का था सर, तो इस बारे में उसने किसी से तो बात की होगी, कोई तो घर खरीदने वाला भी होगा। और घर बेचने से शायद किसी को आपत्ति भी हो सकती है, शालिनी या फिर राजन के फादर नरेंद्र, क्या उनके जिंदगी भर की कमाई थी ये घर? सर, मोनू के फादर प्रकाश और राजन के फादर नरेंद्र दोनों सगे भाई थे, पर दोनों में रंजिश थी, 10 साल से दोनों बात नहीं कर रहे थे। घर नरेंद्र ने खुद बनाया था या फिर पुश्तैनी था? और अगर पुश्तैनी था तो फिर ये घर ही मसला रहा होगा दोनों भाइयों के बीच। सर, कमाल करते हो आप सर, मैं साफ साफ बोल चुका हूं जो बोलना था, मैंने कुछ नहीं किया सर।
मुझे जाने दीजिए ना। हेलो प्रकाश पाटीदार, मैं सब इंस्पेक्टर ठाकुर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? आपके बड़े भाई नरेंद्र और भतीजे राजन के कत्ल के बारे में, और अगर इसके अलावा और भी कोई बात है तो वो भी करेंगे। सर मैं ये पहली बार सुन रही हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि राजन अपना घर बेचना चाहते थे, वो भी मुझे बिना बताए। शालिनी हमारे साथ लुका छुपी कौन खेल रहा है, मोनू या तुम? मैं राजन के बारे में क्यों कुछ छुपाऊंगी सर, मेरे बच्ची के पिता थे वो, उनसे सुलह करके घर लौटना चाह रही थी मैं। तुम वाकई में घर वापस लौटना चाह रही थी? सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझ पर? सर आरटीओ पेपर्स, राजन की बाइक के पास में जो बाइक पार्क थी वो किसी जितेंद्र चौबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये जितेंद्र राजन के ही मोहल्ले का है? नहीं सर, उसके मोहल्ले से काफी दूर का एड्रेस है, ट्रैक कर लिया है उसे, जितेंद्र का नंबर भी निकाल लिया है, फोन ऑन है उसका लेकिन उसे फोन नहीं किया है अभी तक। तुरंत उठा लो। मालिक वो आपका बाबूराम जो था पाटीदारों के घर काम करने वाला? राम राम रहन जी। वो हवा हो गया भोपाल से, गायब। गायब कब हुआ? ये तो ठीक से किसी को पता नहीं है, उसका मोबाइल नंबर मिला है पर बंद है, और बंदा बोरिया बिस्तर के साथ गायब हुआ है। गुरु इस बाबूराम का हमारे हाथ लगना बेहद जरूरी है, ये इस केस की अहम कड़ी हो सकता है। वैसे एक कड़ी हमारी भी हाथ लगी है, वो जो लावारिस बाइक के बारे में बताया था ना, राजन के घर के बाहर खड़ी थी, उसका मालिक ट्रेस हो गया, उड़वा लिया उसे। सर बाइक छुड़वा नहीं पाया था इसलिए आपको वहां पर मिली। छुड़वा नहीं पाया? गिरवे रखी थी राजन के पास बाइक? 50,000 लिए थे राजन भाई से, सिर्फ 15,000 लौटा पाया था और एक साल से ऊपर हो गया था। जब नहीं लौटा पाया था तो राजन भाई चढ़ गए मेरे ऊपर। राजन भाई बाइक लेकर मत जाओ, मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। राजन भाई मैं ऑफिस जाता हूँ इस पर। ऑफिस जाता ना तू तो महीने के आखिर में सैलरी मिलती होगी तुझे, घर भी चलता होगा उसी से, गाड़ी में पेट्रोल भी डालता है, लेकिन साले किश्त तो बहुत दूर की बात है, सही ढंग से ब्याज भी नहीं लौटा पाया तू अभी तक। लौटा दूंगा। लौटा दे तुझे बाइक लौटा दूंगा, 6 महीने है तेरे पास, पूरे पैसे मुझे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो बेच दूंगा इसे। राजन भाई ऐसा मत करो राजन भाई, शेर बकरी से दोस्ती कर लेगा तो घास खाने के दिन आ जाएंगे। पैसे लेके आ, बाइक लेके जा। इस मुंह से उन्हें रोकता साहब मैं बताओ, 4 महीने तक कुछ नहीं दे पाया, बाइक वहीं पड़ी रही। और तू वहां पहुंचा 15 सितंबर की रात को, गुस्से में आकर तूने राजन को मार डाला और साथ में उसके बूढ़े बाप को भी। साझेदार कौन था तेरा, जो दूसरा देनदार? ये सब क्या बोलने सर आप, मैं ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। मैंने ना अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपये लिए थे राजन भाई से, क्योंकि मेरी उनसे पुरानी जान पहचान थी, और मैंने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं है। चुप रहना भी गलत काम होता है जीतू, तेरी ये बाइक की तस्वीर भोपाल के हमने हर अखबार में छापी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तूने देखी ना हो। देखी थी। फिर भी चुप रहा क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका? कोई तिनका इनका नहीं था सर, मैं डरा हुआ था, आप लोगों ने बाइक की तस्वीर ऐसे छापी थी जैसे बाइक का मालिक ही खूनी हो। मैंने ये सोचा कि मैं सामने से जाऊंगा मेरी लग जाएगी। तो अब क्या कम लगेगी तेरी? सर मैं एक सीधा आदमी हूँ, मेरी एक गलती कि मैं लोन नहीं लौटा पाया, लेकिन मेरा लौटाने का इरादा पक्का था और लौटा भी देता। राजन भाई जब बाइक लेकर गए थे ना थोड़ा दुख हुआ था, तकलीफ हुई थी, लेकिन वो तो अपनी जगह गलत नहीं थे, मेरी कोई रंजिश थोड़ी थी राजन भाई के साथ। रंजिश गलत शब्द है, खटास से हमारे बीच खटास। वजह? जमीन। राजन जो घर बेच रहा था पूछते नहीं था? सर पहली बात तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो घर राजन बेच रहा है कि नहीं, कैसे मालूम होगा? और दूसरी बात वो पूछता ही नहीं था, नरेंद्र भाई साहब ने खुद अपनी कमाई से खरीदा था। तो फिर कौन सी जमीन का मसला था? पूछता नहीं खेत। नरेंद्र भाई साहब थोड़े अड़ियल किस्म के इंसान थे, बड़ाई साहब ने बस रख लिया, छोटा मुझे दे दिया, जबकि जरूरत ज्यादा मुझे थी। बात पुरानी है लेकिन गुस्सा तो बना रहा, लेकिन राजन और मोनू में बनती थी, वो एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, पर उनमें क्या बातें होती थी वो मुझे पता नहीं। पर राजन घर बेच रहा है ये बात सिर्फ मोनू को पता थी, शालिनी को भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर आप मोनू पर शक कर रहे हो? सर जरा सोचिए, राजन को और नरेंद्र भैया को मारकर क्या वो घर मोनू का हो जाता? बिल्कुल नहीं। शालिनी और कशिश का हो जाता? होता नहीं होता हमसे क्या मतलब, लेकिन हमारा तो नहीं होता ना सर। सर मोनू ने कुछ नहीं किया, प्लीज उसे छोड़ दीजिए आप। प्रकाश जी एक बाबूराम है जो आपके भाई के घर काम करता था, क्या ये उसका किया कराया हो सकता है?
किसी ने उसे पैसे दिए ऐसा करने के? प्रकाश जी, क्या बाबूराम ऐसा कर सकता है? सर, ये बाबूराम जो है वो नरेंद्र भैया जिस स्कूल में उपाध्यापक थे वहां पे छुटपुट काम किया करता था। और मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसी ने नरेंद्र भैया का खून किया नहीं किया? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोनू ने नहीं किया। अब मोनू को छोड़ दीजिए प्लीज। अगर बाबूराम ने ये किया है तो किसके कहने पर किया होगा, किसके लिए किया होगा? उसकी किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी, कोई भड़ास? पता नहीं अब वो कहाँ, गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। शालिनी के साथ हमारी बात हो रही है, वो अपने मायके में ही है। शालिनी नहीं, मैं रानी भाभी की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र भाई साहब की पत्नी। वो जिंदा है? उनके साथ होती तो जीते जी मर जाती। नरेंद्र भाई साहब अच्छे पति नहीं थे। किसी ने भी हमें नरेंद्र पाटीदार की पत्नी रानी के बारे में ऐसा कुछ तो नहीं बताया? क्यों? क्योंकि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा। राजन जब 4-5 साल का था तब रानी भाभी घर छोड़कर चली गई थी, 25 साल पहले। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर चली गई? वरना उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ती थी। नरेंद्र भाई साहब जानवरों की तरह पीटते थे उन्हें। लेकिन प्रकाश जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नरेंद्र के खून में हमें एक बूंद शराब नहीं मिली। शायद छोड़ दी होगी, पर मैं जो बता रहा हूँ वो अतीत के बारे में जो सच है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमले का असली निशाना नरेंद्र जी थे, राजन इसलिए मारा गया क्योंकि वो वहां उस वक्त मौजूद था? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आपने पूछा कि बाबूराम ने किसके कहने पे किया होगा, तो मुझे रानी भाभी का नाम याद आया क्योंकि वो उसे जानती थी। ऊपर से आपने बोला कि वहां पे चोरी वोरी कुछ हुई नहीं, तो ऐसे ही मैंने सब बता दिया। ठीक है सर, मोनू ने कुछ किया नहीं, आप प्लीज उसको छोड़ दीजिए। शालिनी कह रही है कि उसे हमेशा बोला गया कि राजन की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। पता नहीं और कौन कौन से एंगल्स उभरने वाले हैं इस केस में, और इनमें से इस डबल मर्डर केस से किसका ताल्लुक है। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। राजन पाटीदार के फोन रिकॉर्ड आ गए, इनमें से 3 औरतों से वो रेगुलर टच में था, महिमा शुक्ला, पूजा जैन और नैना प्रजापति। पिछले 8 महीने में लगभग रोज राजन की बातें इन तीनों से होती थी, कभी कभी तो कई कई घंटों तक, पर इनमें से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। यहाँ काफी कुछ ऐसा है जो हमसे छिपाया जा रहा है। इस घरेलू झगड़े को काउंसलर तक ले जाने के कारण भी मुझे गड़बड़ लग रही है। माजरा कुछ और है और पेश कुछ और किया जा रहा है। फिर तो इस डबल मर्डर की प्लानिंग काफी पहले से हुई होगी सर। कम से कम एक मर्डर की तो हुई होगी, दूसरा कत्ल हो गया होगा। अमित, अमित, कब समझेगा तू? अमित कब समझेगा? जहर है ये जहर। तेरी देखा देखी अगर अतुल को भी ये लत लग गई तो? ऐसे ही चाहता है तू? देख अमित, हमें हमारी जिंदगी बेहतर बनानी है, अब जैसी भी है इससे ऊपर उठना है। तुझे क्या लगता है जो तूने और अतुल ने झेला भुगता वो मैंने और सोनिया ने नहीं देखा? पर हमें अब वो सब भुलाना होगा, उन यादों के दलदल से बाहर निकलना होगा, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे तू कर रहा है, सही तरीके से मेरे भाई। इस केस में हर कदम नए नए मोर्चे, नए नए एंगल्स खुल रहे थे तहकीकात के लिए, लेकिन कोई एक ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था किसी भी एंगल में जो हमें सही दिशा में ले जाता। मालिक, आपके शक के दायरे में कौन नहीं है? मतलब संदिग्धों का पूरा गुच्छा है, चाबियों के गुच्छे की तरह। एक तो ये राजन का कजन मोनू, फिर उसके 25 साल पहले की माँ रानी पाटीदार जो सालों पहले गायब हो गई थी, फिर उसके लाइफ में ये 3 देवियाँ महिमा शुक्ला, पूजा जैन, नैना प्रजापति, और मास्टर चाबी शायद हमारे पास एक ही, नौकर बाबूराम। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी एंगल्स के बीच में हमसे कुछ छूट रहा है, कुछ अनदेखा हो रहा है, या कुछ ऐसा जो पकड़ में नहीं आ रहा है। ये शालिनी की माँ, उसका क्या? उसका क्या गुरु? मेरे को थोड़ा खटकता है कि ये शालिनी की शादी को 7 साल हो चुके हैं, 6 साल की उसकी बच्ची है। शालिनी की छोटी बहन सोनिया की शादी को भी 3 साल हो चुके हैं, और शालिनी की माँ का पति कई सालों पहले गुड बाय बोल गया। मतलब इस औरत ने अकेले अपने बलबूते पे इन दोनों लड़कियों को सेटल किया, और अब अचानक अपने दोनों नाबालिग लड़कों को छोड़कर ऐसे ही गायब हो गई। बात कुछ जमती नहीं है साहब। कुछ बनता है इधर? सर, अगर टाइमिंग देखें तो केस वहीं से शुरू होता है,
माँ गायब होती है, दोनों लड़के शालिनी के घर पहुंचते हैं। राजन और शालिनी में कश्मकश शुरू होती है और फिर शालिनी अलग होती है अपने पति से और फिर राजन की मारपीट शुरू होती है। डोमेस्टिक सेल में कंप्लेंट की जाती है और जैसे ही मामला सुलझने वाला होता है डबल मर्डर हो जाता है। लग जा, खोज निकाल शालिनी की माँ का, पता तो चले वो इस केस की चाबी है या फिर संदूक के अंदर का सबसे बड़ा राज। संदिग्धों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी, हमारे पास कई एंगल्स थे, लेकिन अब इस केस में एक नया पहलू सामने आने वाला था। कोमल महतो था उस लड़की का नाम, जो थी तो एक अतीत के केस में शामिल, पर अब हमारी तहकीकात में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाली थी। हमने नहीं सोचा था कि शालिनी की मां का इस केस से कोई ताल्लुक होगा, पर हम गलत थे। शालिनी और राजन भले हाल ही में अलग हुए थे, पर इस दूरी की जड़ जुर्म का वो बीज था जो शालिनी की मां ने बोया था। सही वक्त पे सही जगह उंगली रखी है साहब। हाथ में क्या है गुरु? यही कि ये शालिनी की मां कोई गायब वायब नहीं है। मतलब शालिनी झूठ बोल रही है? कहाँ है शालिनी की मां? आपके चौखट पे ही बैठी है साहब, मैडम अंदर है। रेवड़ी चौक थाने के लॉकअप में बंद है। अरे ओ आशा, अरे सुन रही है क्या? अरे हम कह दिए हैं तो क्या हुआ, जानवर तो नहीं है ना? अरे सूखी रोटियां तो ना खिलाया कर बहना, मैं पैसे दूं क्या खाना मंगवाने के लिए? तेरे हराम के पैसे तू रख अपने पास, तू जैसी गिरी औरत को सूखी रोटी तो क्या भूसे की रोटी में नहीं देनी चाहिए। डॉली जायसवाल नाम है शालिनी की माँ का, फरवरी 2017 में पुलिस को टिप मिली थी डॉली के खिलाफ, धर दबोचा उसे। चार्ज 370 ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी साहब, इस डॉली ने एक लड़की अगवा की थी और उसे धंधे पे चढ़ाया था, अपने घर से बिजनेस कर रही थी, सालों से इसका यही पेशा है साहब, लड़कियां खरीदती है बेचती है और धंधे पे लगाती है। क्या पता कैसे हमारे रडार से शालिनी का बैकग्राउंड छूट गया। शालिनी ने हमारे रडार से बाखूबी छुपाया इसे। पर डॉली के बैकग्राउंड का राजन पाटीदार और नरेंद्र पाटीदार के कत्ल से कनेक्शन क्या बनता है गुरु? बन सकता है मालिक। कोई लीड है? मेरा एक हिस्ट्री शीटर दोस्त है फैजल, डॉली ने उसे लॉकअप में बुलाया था अभी पिछले महीने अगस्त में। सलाम डॉली जी। सुन तू भोजपुर जा, गंगाधर 25,000 देगा, यहाँ सुरेश को पकड़ा आज के आज। जिसको पैसे भेजे गए थे वो सुरेश कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है साहब। हो सकता है राजन कुमारनी के सुपारी दी गई हो और नरेंद्र साथ में मारा गया। सुपारी किसे दी गई? सुरेश को? नहीं सर, लेकिन सर ये सुरेश कोई जरिया हो सकता है जिसने सुपारी दी नरेंद्र के नौकर बाबूराम को, और बाबूराम गायब है तो इस एंगल में दम लग रहा है साहब। पर इतना सब शालिनी के लिए? क्यों नहीं साहब, डॉली की जगह शालिनी अपने दोनों भाइयों की मां बनकर रह रही है और तब से रह रही है जब से ये डॉली फरवरी में अंदर हुई है, और शालिनी ने आप लोगों से ये झूठ बोला कि डॉली अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई है। मुझे लगता है ये सब अंदर का खेल है, ये कांड माँ बेटी की मिलीभगत हो सकती है। अब तो शालिनी से कड़ी पूछताछ बनती है और इस डॉली का कच्चा चिट्ठा और खोलना। क्या केस था जिसमें अंदर हुई उसकी डिटेल्स भी निकलवा। लाख कोशिश करो बुरी यादों के दलदल से निकलने की, वो फिर भयानक सपने बनकर लौटते हैं। कई जिंदगियां बर्बाद हुई थी अतीत में, कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं वर्तमान में, और आने वाले दिनों में और जिंदगियां दांव पर लगेंगी। मुझे राजन जी चाचा को छोड़ना नहीं चाहिए था दीदी। मुझे पता नहीं था कि उन्हें जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुझे लगता है कि माँ ने ये सब कराया है? अरे गाड़ी, अरे फटाफट एम्बुलेंस को फोन लगाओ। अब भी एंगल्स अनेक, सवाल बेशुमार थे और हम तरस रहे थे उस ब्रेक थ्रू, उस एक ठोस सुराग के लिए जो कील ठोक देता इस केस में। ये 7 महीने पहले का ट्रैफिकिंग केस क्या था जिसके चलते शालिनी की मां डॉली जायसवाल गिरफ्तार हुई थी? क्या इस हत्याकांड का शालिनी के बहनोई धीरज गुर्जर के एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक था, या इस केस का कनेक्शन उन 3 लड़कियों से था जिनसे राजन पाटीदार की अक्सर फोन पर बातें होती थी?
जिसके चलते शालिनी ने गुस्से में अपनी माँ डोली के जरिए राजन का कत्ल कर दिया। क्या इस डबल मर्डर केस में बाबूराम एक अहम खिलाड़ी था? क्या उस तक पहुंचने से इस केस को ब्रेक थ्रू मिलने वाला था? बधाई हो, घर से भागी हुई तुम्हारी माँ का पता चल गया और तुम्हारे छूट का भी। ए डॉली, चल बारा, दूसरा पुलिस स्टेशन से बुलावा आया तेरे लिए, क्योंकि ना तो मैं हमेशा यहाँ रहने वाली हूँ और ना तेरी हमेशा चलने वाली। हेलो, महिमा शुक्ला जी, आप कौन? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देविका साहू बोल रही हूँ। राजन पाटीदार मर्डर केस में तुमसे पूछताछ करनी है। राजन पाटीदार? अब ये मत कहना कि तुम उसे जानती नहीं थी। जी जानती थी। कैसे जानती थी? जैसे भी जानती थी, आपको क्या? मेरा निजी मामला है, समझिए आप। मर्डर किसी का निजी मामला नहीं होता पूजा। राजन के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आगे बोलो। बहुत तेवर है। सवाल भी तो आपके ऐसे है, क्या रिश्ता है राजन के साथ? अरे क्यों बोलूं? अब तो तू बोलेगी बोलेगी। गरोड़िया नगर पुलिस थाने आ जा अभी। ए धमकी मत दे, समझी? चल नहीं आती, क्या करेगी तू? आती है या घसीट कर लाऊं तुझे? एड्रेस बोल अपना। मैडम प्लीज, आप एड्रेस मत लो, आप मुझे जहां बोलेंगे जब बोलेंगे मैं आने को तैयार हूँ। मैडम प्लीज आप घर मत आइए। नैना जितनी देर तुम प्लीज प्लीज बोलने में लगा रही हो, उतनी देर में तो तुम यहाँ आ जाती। नहीं नहीं मैडम, आज मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, बाबूजी घर पर ही है। तुम इतनी डरी हुई क्यों नैना? कहीं राजन पाटीदार के मर्डर में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? नहीं नहीं मैडम, मैं तो खुद इतनी ज्यादा शौक हूँ कि क्या बताऊँ। आप मुझे बताइए कि कल कितने बजे आना है। मैं 100% आऊंगी मैडम। क्यों मरवाया तुमने अपने पति राजन और ससुर नरेंद्र को? राजन के अफेयर्स के कारण या फिर तुम्हारी मां डोली जायसवाल से जुड़ी कोई वजह है? मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने नहीं मरवाया अपने पति और ससुर को। तो फिर अपनी मां के बारे में झूठ क्यों बोला? झूठों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता। आसान तो सच्चाई का सामना करना भी नहीं होता ना सर, एक ऐसी सच्चाई जो आपसे जिंदगी भर झूठ बुलाती है। बचपन से ही मैं और मेरी बहन सोनिया उस सच्चाई से छुपते रहे कि मेरी मां डॉली जायसवाल हमारी जैसी जवान लड़कियों को खरीदती, उन्हें घर लाती और उनसे बिजनेस करवाती, धंधा करवाती, प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यवृत्ति। हाँ वही सर, धंधा, प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यवृत्ति। 12 साल की उम्र से देखा है अपनी माँ को ये धंधा करते हुए। उस घर में ली हर सांस से खिन आती थी, घुटन होती थी। ये खिन और घुटन पर उपन्यास किसी और दिन लिखना। सच्चाई ये है कि तुम्हारी माँ डॉली जायसवाल एक ट्रैफिकर है और 7 महीने पहले ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तार हुई और लगभग तब से ही तुम अपने पति राजन का घर छोड़कर अपनी माँ के घर आई। मैं तो चाहती थी अपनी माँ के घर से, उसके साए से भी दूर रहूं मैं, अपने भाइयों के लिए लौटी मैं। इससे राजन और उसके पिता नरेंद्र के कत्ल का क्या लेना देना? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रैफिकिंग के केस में तुम्हारी माँ डॉली जायसवाल अंदर हुई तो उसकी असलियत पता चल गई राजन को और उसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया और इसी वजह से तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर उसके नाम की सुपारी दे दी? ऐसा नहीं है, राजन को मालूम था शादी के भी पहले से कि मेरी माँ क्या काम करती है। और सिर्फ राजन को नहीं, आपके कई पुलिस वालों को भी मालूम था। और राजन ने मुझे घर से नहीं निकाला, मैंने मजबूरी में वो घर छोड़ा अपने भाइयों के लिए। 7 महीने पहले जब माँ गिरफ्तार हुई तब से कहर टूट पड़ा हम सबकी जिंदगी में। पहले तू घर जा, अमित और अतुल को संभाल कुछ समय के लिए। क्यों माँ, कहाँ जा रही हो? जा नहीं रही हूँ, पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। पुलिस स्टेशन? अब क्या किया तूने? तू घर जा, अमित और अतुल का ख्याल रख, मैंने सोनिया को भी बोल दिया है। पर बता तो सही, अब किया क्या है तूने? हेलो हेलो, कोमल तू डर मत, तेरे घर वालों को खबर करती है, तेरा बापू आ रहा है तुझे लेने, घर जा रही है तू।
मैं तो पहले से ही घर जाना चाहती थी। उन्होंने बोला वो मुझे घर ले जाएंगे, लेकिन लेकिन उन्होंने मेरे साथ फिर से शुरू कर दिया। क्यों, बंद कर दिया था क्या? कोई और काम करने का कहा था डॉली की? सर बताइए तो हुआ क्या? 16 साल की लड़की कोमल महतो बाहर बैठी है, अपने चाचा के घर से भागकर अपने माँ बाप के घर लौट रही थी। भोपाल स्टेशन पर तेरी माँ का वो दलाल नदीम जिद्द की तरह लपक गया और तेरी माँ तब से धंधा करवा रही है उससे, घर से। और कितना बर्बाद करोगी हम सबकी जिंदगी को, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे वो लड़की 16 साल की है और तुमने वादा किया था ना कि सोनिया की शादी के बाद फिर कभी नहीं करोगी। तोड़ दिया, तेरे दोनों भाइयों के लिए तोड़ दिया वादा। किस्मत थी हम दोनों बहनों की जो बचपन में तुमने हमें धंधे पर नहीं बैठा दिया। किस्मत नहीं शालिनी, माँ का प्यार था वो। माँ तेरे अंदर सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए थी, कर दिए ना बच्चे पैदा, अब पीछा छोड़ो हमारा। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें माँ कहने से भी, जो दूसरों के बच्चों को नुचवाकर उनसे पैसे कमाती है। यह आदर्शवादी बकबक तब करनी थी जब मैंने शुरू किया था। उस समय तो दोनों बहनें बड़े सूट बनवाया करती थी, उसी पैसे से मैंने तेरी शादी की थी। जब सोनिया की शादी की थी तब भोपाल से इंदौर 3 लड़कियों को पार किया था, तब क्या याददाश्त खो बैठी थी अपनी? गूंगी बहरी अंधी हो गई थी? तुम दोनों बहनें तो अपनी जिंदगियों में मस्त हो, तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई है? तेरे दोनों भाइयों की जिंदगी खत्म हो गई है? कल को उन दोनों की शादी हो जाएगी और वो दोनों जाके अपनी बीवियों के पल्लू में बैठ जाएंगे, तब तेरी इस बदनसीब माँ का क्या होगा कभी सोचा है तूने? क्या तेरा वो बाप आएगा अपनी पेंशन लेकर? चार चार बच्चे गले मर के फूट गया साला, जा जाकर ढूंढ उसे और उसे जाकर सुनाना ये महात्मा वाला भाषण, समझी? जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसने जीते जी मार भी डाला, लेकिन माँ की एक बात सच थी कि उसी धंधे के पैसे से हमारी परवरिश हुई थी। पर इस सबसे तुम्हारे पति राजन का क्या ताल्लुक? उसे क्यों मार डाला? मैंने राजन को नहीं मारा, राजन कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, फिर भी मेरे लिए उस नरक से निकलने का एक जरिया था वो, जो मेरी माँ ने बना के रखा था उस घर में। राजन मुझे अक्सर पीटता था, उसका घर छोड़ के आई थी उसके पहले से ही। लड़कियां तो नहीं बेचता, माँ की तरह गैर कानूनी तरीके से पैसे तो नहीं कमाता, तो सब बर्दाश्त कर लो। फिर इस बर्दाश्त की हद कैसे खत्म हो गई? मैंने राजन को नहीं मारा सा, हाँ मैंने आपसे झूठ कहा अपनी माँ के बारे में, लेकिन ये सच है, राजन को मंजूर नहीं था मेरे भाइयों का उसके घर में रहना। नफरत करता था उनसे, मेरे पूरे खानदान से, कोई मौका नहीं छोड़ता था ताने सुनाने का। ऐसे में मैं क्या करती सा, अपने भाइयों को तो नहीं छोड़ सकती थी। एक क्रिमिनल है फैजल, फैजल को तुम्हारी माँ डॉली ने भोजपुर भेजा किसी गंगाधर से पैसे लेकर यहाँ किसी सुरेश को देने के लिए। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। शालिनी झूठ बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता, सच बोल दो, जिस माँ से तुम्हें इतनी तकलीफ थी उसी के जरिए अपने पति राजन को मरवा डाला? जी नहीं, राजन जैसा भी था मेरी माँ से तो बेहतर ही था। उसकी हरकतें चाहे जितनी भी ओछी थी मेरी माँ की हरकतों से तो कम ही थी। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी माँ ने सुपारी दी होगी राजन को मरवाने की, तो सच कहूँ सर मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, पर वो राजन को क्यों मरवाती? ऐसा क्या बिगाड़ा होगा राजन ने उसका? अरे आशा तू ही पूछ लेती जो पूछना था, अब जेल के अंदर से कौन सी लड़कियां बेचने लग रही हूँ मैं? सर मेरे लैंडलाइन पर एक अज्ञात कॉलर ने फोन करके टिप दी थी, डॉली जायसवाल ने एक नाबालिग लड़की कोमल को अपने घर पर रखा और उससे धंधा करवा रहा। हाँ जानता हूँ, 7 महीने पहले का केस है, पर रीओपन करना होगा। मुझे डाउट है कि कहीं ये टिप तुम्हें शालिनी के पति राजन पाटीदार ने तो नहीं दी थी? विक्टिम राजन पाटीदार ने? हाँ, 3-3 अफेयर्स एक साथ चल रहे थे राजन के, शायद डॉली को पकड़वाकर वो शालिनी को अपने घर से निकालने की फिराक में हो और डॉली ने बदला लेने के लिए राजन का मर्डर करवाया हो सकता है शालिनी भी इसमें शामिल हो। ठीक है सर, पता लगाता हूँ उस अज्ञात कॉलर के बारे में। आप मेरे पति को बीच में क्यों ला रही हैं? मत कीजिए, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं जानती हूँ राजन को। तुम अब भी पूरा सच नहीं बोल रही हो महिमा, ये रहे तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स, रोज बात होती थी तुम्हारी राजन से। हाँ मेरा अफेयर था राजन के साथ,
लेकिन हमारा संबंध सिर्फ जिस्मानी था और कुछ भी नहीं। कहाँ मिले? मेरे पति ने लोन लिया था राजन से। एक बार जब वो टूर पे थे तब राजन घर आया था वसूली के लिए, तब मिले। उसके बाद से जब मेरे पति घर पे नहीं होते थे मैं राजन को घर पे बुलाती थी। शायद तुम्हारे पति को पता चल गया, उसने मरवाया। नहीं नहीं मैडम, मेरे पति तो महीने में 15 दिन शहर के बाहर रहते हैं, उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि मेरे पास ये दूसरा नंबर है। मेरे पति को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ना मुझे कुछ मालूम है। मैं तो उसकी बीवी शालिनी को भी नहीं जानती। राजन का कत्ल, वो भी जेल के अंदर से। पहली बात तो ये है साहब कि राजन मेरा दामाद था, मेरी बड़ी बेटी शालिनी का पति। अपने हाथों से बसाया था मैंने उसका घर, और वही घोंसला मैं खुद जला दूंगी। अगर तेरी जान खतरे में आए ना तो तू अपने दामाद को क्या, अपनी बेटी को भी जला देगी डॉली? मैं कोई बहुत इमोशनल औरत तो हूं नहीं, और ना ही मुझे रोने धोने या ड्रामा करने की आदत है। हाँ मैंने लड़कियां बेची, धंधा भी करवाया उनसे, लेकिन पहले मैं खुद धंधे पर बैठी साहब, ताकि अपने 4 बच्चों को पाल सकूं। पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, कुछ आता भी नहीं था, ये सब आसानी से हो गया मुझसे। हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, उसने ये रास्ता दिखाया और मैं उस पर चल पड़ी। लेकिन इतने सालों में मैंने अपने बच्चों पे कभी आंच नहीं आने दी। कत्ल किससे करवाया तूने डॉली? नरेंद्र पाटीदार के नौकर बाबूराम से? कत्ल तो क्या, मुझे थप्पड़ के नाम से भी चिढ़ है। इतनी लड़कियों से धंधा करवाया मैंने, किसी से भी पूछ लो। बड़ा लाड करती थी उनका, खाना कपड़ा पिक्चरें दिखाना, दिवाली ईद सब कुछ। फैजल से सुरेश तक पैसे पहुंचाए, किस लिए? वो रुपए मेरे दामाद नंबर 2 सोनिया के पति धीरज गुर्जर के लिए थे, उसका एक्सीडेंट हो गया था। धीरज बहुत बुरी तरह घायल हो गए मां, अगर लोग टाइम पर हॉस्पिटल ले जाते ना तो जान भी जा सकती थी। चुप, शुप शुप बोल। देख सोनिया, अपना कलेजा मजबूत रख और भरोसा रख, कुछ नहीं होगा धीरज को। धीरज अपना मेडिकल इंश्योरेंस रिन्यू करवाना भूल गया था। घोचू, लोहे की सरिया, प्लास्टर, ऑपरेशन सब मिला के 1 लाख से ऊपर का बिल फटा था, और उसकी तनख्वाह थी सिर्फ 15,000 रुपए। तब मैंने आदमी भेजा और पैसों का इंतजाम किया। केवल गंगाधर ही नहीं साहब, भोपाल के 3 और लोगों से बात की और पैसों का जुगाड़ किया। सुपारी के रुपए नहीं थे साहब, धीरज के इलाज के रुपए थे। इस कोमल महतो के ट्रैफिकिंग के केस में तुझे किसने पकड़वाया था? अब मुझे क्या मालूम साहब, आपको पता चल जाए तो मुझे जरूर बता देना, सेटिंग कर दूंगी। यानी मार डालेगी? अरे नहीं साहब, अपनी साइड कर लूंगी। अब धंधे में काहे का बैर, इस धंधे में दोस्ती दुश्मनी से भली। इस कोमल की ट्रैफिकिंग में किसी के साथ रंजिश हुई थी तेरी? कोमल की ट्रैफिकिंग मैंने नहीं, किसी और ने करवाई थी साहब। आ जाओ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। हाँ यहाँ बैठो। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कोमल। हम्म, ये जो डॉली आंटी है ना, ये बहुत अच्छी है। कल सुबह वो खुद तुम्हें जबलपुर लेके जाएंगी, सीधा तुम्हारी मम्मी के पास। क्या बोलती डॉली जी, पसंद आई? किराया बोल नदीम। कॉली है, 1.5 लाख में पड़ेगी। अपना कमीशन जोड़ के बोल रहा साले। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप डॉली जी, मेरा कमीशन तो सिर्फ आपसे है, और मैं ही महीने में 15,000 में 4 बार बिठा दूंगा, बाद में घसती रहेगी। महीने का 1.5 लाख किराया दूंगी तो कमाऊंगी क्या? अरे कमाओगी डॉली जी, भरपूर कमाओगी। 1 महीने के बाद सप्लायर को बोल देंगे 50% में हमें भेज दे, उसके बाद में पेड़ भी अपना और फल भी, जितना चाहो लूटो। लूट तो मैं गई थी साहब, पूरा 1.5 लाख किराया दिया सप्लायर को। मुश्किल से लड़की 4 बार धंधे पर बैठी और किसी ने चुगली कर दी। राजन ने चुगली की थी, जिसका बदला लिया तूने उससे। अब यही तो मुश्किल है ना साहब इस दुनिया में, ईमानदारी से बात करो तो लोग सच मानते ही नहीं। अब आप ऐसा करो साहब के अगर आपको ऐसा लगता है ना कि केवल आप ही सच बोलते हो, तो आप ही सच का पता लगा लो और मुझे जरूर बता देना। सर ये डॉली 1 नंबर की झोल क्वीन है। डॉली का हाथ पता लगता है? हाथ लगता तो है सर, पर ये साबित करने के लिए अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है सर, ये डॉली बात घुमाने में एक्सपर्ट है। ए आशा, तेरा चेहरा कितना फीका पड़ गया रे, मौसम्बी का जूस पिया कर। लॉकअप में पीऊंगी तेरा जूस बना के। सर वो फैजल जिसने डॉली के कहने पर पैसे कलेक्ट किए थे, वो हमारे हाथों लग गया है। लेकिन सर वो तो सिर्फ एक डिलीवरी मैन था। और वो सुरेश जिसे फैजल ने पैसे पहुंचाए? अभी भी अंडरग्राउंड है सर,
देविका, राजन के गर्लफ्रेंड्स नैना और पूजा कुछ मिला उनसे? एक्चुअली कुछ नहीं मिला सर, दोनों ने अफेयर की बात तो कबूल की है। राजन से लोन लिया था मैंने अपनी स्कूटी के लिए, लौटा नहीं पा रही थी, या यूं बोलो लौटाने का मन नहीं था, तो दिल लगा लिया उसके साथ, लोन और इंटरेस्ट सब माफ। तो तू मर्दों को ऐसे ही फंसाती है, तेरा कोई रैकेट वैकेट तो नहीं है? इतने बुरे दिन नहीं आए मैडम कि मर्दों को फंसाना पड़े, और वैसे भी ये मेरा प्राइवेट मामला है, अब इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? ज्यादा हवा में मत उड़ पूजा, मर्डर केस में फंसी है तू। फंसे मेरी सैंडल, बोलो ना एक बार, राजन के साथ कुछ सीरियस वीरियस नहीं था, लोन के बदले टाइम पास था बस। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई मैडम, राजन ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। तुम्हें पता नहीं था कि राजन शादीशुदा है? मैडम मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है, लेकिन वो शालिनी को डिवोर्स देने वाला था, वो 17 सितंबर को अपना फाइनल डिसीजन लेने वाला था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा, और फिर हम दोनों शादी करने वाले थे मैडम। मैंने तो कई मन्नतें भी रखी थी उसका डिवोर्स जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन फिर पता चला कि उसका मर्डर हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती मैडम कि मेरी जिंदगी किस कदर बर्बाद हो गई, मैं उसके साथ सो चुकी हूँ मैडम। सर इतना तो हम पकड़ के चल सकते हैं कि राजन शायद शालिनी को डिवोर्स देने वाला था। मतलब घूम फिर कर हम वहीं आ रहे हैं, शालिनी सस्पेक्ट, उसी के पास मोटिव था, उसने गुस्से में आकर अपने पति राजन का मर्डर करवा दिया। कोलैटरल डैमेज, राजन के पिता नरेंद्र पाटीदार। लेकिन सर शालिनी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पॉसिबिलिटी कम है कि ये मर्डर शालिनी ने खुद किया हो, और अगर किसी और से करवाया है तो फिर किससे करवाया? बाबूराम पर कोई खबर? अभी तक तो कुछ नहीं सर, गुरु खबरी और उसकी टीम लगे हुए हैं, लेकिन सर बाबूराम का इस तरह से अचानक गायब हो जाना अपने आप में एक लीड तो है। मैनहंट जारी करो बाबूराम। एक आंसू बहाने की जरूरत नहीं है उस लीचड़ राजन के लिए, तीन तीन औरतों को घुमा रहा था, बताया था पुलिस ने मुझे, एक से तो शादी का वादा भी कर चुका था, और इसीलिए तुझे तलाक दे रहा था, है ना? इसीलिए मरवा दिया तुमने उसे। कोमल मातों के बारे में चुगली किसने की थी? मतलब तुमने ही राजन को मरवाया। धीरज का एक्सीडेंट किसने करवाया शालिनी? क्यों खेल रही हो तुम हमारी जिंदगी से? मैं खेल रही हूँ? पुलिस वालों को लगता है कि ये सब मैंने करवाया, और मुझे क्या लगता है पता है? मुझे लगता है कि राजन को तूने मरवाया, क्योंकि तुझे पता चल गया था कि राजन तुझे छोड़ने वाला है, और इसीलिए तूने उसे मरवा दिया, क्योंकि उसके बाद उसका जो कुछ भी है वो तुझे और कशिश को मिले। ठीक कह रही हूं ना? देख शालिनी, अगर तूने ऐसा कुछ किया भी है ना, तो भी मैं तुझसे नफरत नहीं करूंगी, क्योंकि मैं समझती हूं कि तूने ये सब अपनी बेटी के लिए किया है। तू बोल, मैं ले लूं सारा पाप अपने सर? तेरे लिए करूंगी शालिनी, लेकिन एक वादा लूंगी तुझसे कि अमित और अतुल दोनों को तू सेटल करेगी, उनके मां और बाप दोनों बनकर। और अगर ये तूने नहीं किया है ना शालिनी, तो कसम है जिसने भी किया है उसकी खैर नहीं। वैसे कभी सोचा है कि सुनसान अंधेरी सड़क पे रात के 10:30 बजे घर वापस आने वाला आदमी अपना धीरज, कोई उसकी बाइक को ठोकर मार के भाग जाता है, जी हाँ, हॉस्पिटल का सारा बिल दरअसल सोनिया की माँ ने ही भरा था। मैंने माँ से मदद मांगी थी मैडम। एक्सीडेंट 23 अगस्त की रात को हुआ था? जी हाँ, मंडीदीप में एक फर्टिलाइजर डिपो है, मैं वहाँ मैनेजर हूँ, रात को ड्यूटी से लौट रहा था कि एक गाड़ी ने उड़ा दिया। क्या तुमको भी डॉली जायसवाल की चलाई जा रही वैश्यवृत्ति के बारे में मालूम था? जी मालूम था। राजन को भी मालूम था है ना? जी हाँ। सोनिया तुम्हें किस पर शक है, राजन को किसने मरवाया होगा, तुम्हारी बहन शालिनी ने या फिर तुम्हारी माँ डॉली ने? मैं अपनी माँ और बहन पर शक करूं? क्योंकि आप शक कर रही हैं। हमें शक तो है पर कड़ियां नहीं मिल रही। दुनिया चाहे यहाँ की वहां क्यों ना हो जाए, मेरी शालिनी दीदी अपने पति का तो क्या,
किसी जाने दुश्मन का भी खून नहीं करेगी। रही बात मेरी माँ की, मेरी माँ चाहे कितने भी घिनौना काम क्यों ना करती हो, किसी का कत्ल नहीं करेगी। सिद्धेश, तुम धीरज के छोटे भाई हो। जी। शालिनी से पता चला कि तुम और राजन अच्छे दोस्त थे? हाँ, पुरानी दोस्ती थी। बाद में पता चला कि वो सोनिया भाभी की शालिनी दीदी के पति हैं। तुम काम क्या करते हो सिद्धेश? रिसेप्शनिस्ट हूँ एक होटल में। उस लड़की से जो धंधा कराया ना, हाय लगी है पूरी फैमिली को। अब देखिए ना, खुद डॉली जी जेल चली गई, यहाँ शालिनी जी की पूरी लाइफ तितर बितर हो गई। धीरज भैया का ऐसे एक्सीडेंट हो गया और फिर राजन और उसके पापा खत्म हो गए। सबकी लाइफ खराब हो गई मैडम, किसी की करनी और सबकी भरनी। तुम्हें क्या लगता है सिद्धेश, राजन ने डॉली के खिलाफ पुलिस को खबर कर दी होगी उस लड़की कोमल महतो के बारे में? मुझे इस सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना जानता हूँ कि डॉली जी के एक जुर्म ने कितनों की लाइफ खराब कर दी। सर, कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। जिस अज्ञात नंबर से हमें कॉल आया था कि कोमल महतो डॉली जायसवाल के घर पर है, वो नंबर पता चल गया है, अभी स्विच ऑफ है, लेकिन वो नंबर राजन पाटीदार का तो नहीं है। पता करो ये किसका नंबर है विनय। इस केस में ऑलरेडी हम काफी चक्कर काट चुके हैं, अब सीधे आगे बढ़ने के लिए तगड़ी कड़ी चाहिए। मालिक, इंदौर से बोल रहा हूँ, आपके काम की कड़ी हाथ लगी है। बाबूराम यहाँ इंदौर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, उसका सारा मूवमेंट मैं ट्रैक कर रहा हूँ। गुरु, किसी भी सूरत में ये बाबूराम रडार से बदलना नहीं चाहिए। उस वक्त बाबूराम हमारा मुख्य संदिग्ध था और हम मानकर चल रहे थे कि ये कत्ल उसी ने किए और अब वो हमारे हाथों में आने वाला था। सर सुनिए तो, माजरा क्या है साहब? हमें पता था कि बाबूराम अपनी बेगुनाही की दुहाई देगा, पर बाबूराम इस केस में एक ऐसा अजीब नया पहलू सामने लाया जो अब तक सामने आया ही नहीं। अरे साहब, मैं भागा कहाँ, अकेला आदमी, घर परिवार है नहीं, यहाँ भोपाल में छोटे मोटे काम करता था, वहाँ इंदौर में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिली तो वहाँ चला गया, आराम से रह रहा था। मर्डर के प्लान में पहले इंदौर में नौकरी पकड़ना शामिल था, है ना, ताकि कभी किसी को यह शक ना हो कि तू भाग गया। बाबूराम चल अब शुरू हो जा। दोनों मर्डर 5:30 से 6:30 के बीच हुए। किसने खोला था दरवाजा? नरेंद्र पाटीदार ने, पहले उसे मारा तूने? ऐसा ही हुआ था ना साहब, मैं अगस्त के महीने के बाद नरेंद्र जी के घर गया ही नहीं, वहां इंदौर में मेरी नौकरी 1 सितंबर से शुरू हुई। तो खास ये काम करने के लिए तो इंदौर से आया, 15 की रात को आया, 16 की सुबह काम किया और लौट गया। बाबूराम, किसने दी तुझे सुपारी ये मर्डर्स करने के लिए? राजन की पत्नी शालिनी ने, या शालिनी की माँ डॉली जायसवाल ने, या नरेंद्र की पत्नी रानी देवी ने? तू तो जानता भी है रानी देवी को। मैं नरेंद्र जी की पत्नी रानी भाभी को जानता हूँ, वो माहीपुर में रहती है, ग्वालियर जिले में पड़ता है। मुझे कभी कभी फोन कर लेती हैं अपने बेटे राजन का हालचाल पूछने के लिए। वहाँ किसके साथ रहती है वो? अपने दूसरे पति के साथ। वो भले आदमी है साहब, ये अपने नरेंद्र जी जैसे नहीं है। और साहब, वो शालिनी बेटी है ना, वो तो बेचारी अपनी माँ का किया धरा भुगत रही है। उसकी जो माँ है ना डॉली, तो प्रलय भी आ जाए तब भी नहीं सुधरने वाली। ये प्रलय पुराण हमें मत सुना, सीधा सीधा मुद्दे पे। कितने पैसे दिए गए तुझे? साहब 100 रुपए, दिन का 100 रुपए देते थे नरेंद्र जी। उनके घर का छोटा मोटा काम कर लेता था, और जब शालिनी घर छोड़ के गई तब झाड़ू पोछा भी कर लेता था, तब 200 रुपए देते थे, अब तो मैं एक ही दिन जाता था। देख बाबूराम, ज्यादा शाणा मत बन, वैसे ही बहुत टाइम के बाद हाथ लगाए। मालिक, अगर मुझे पता होता आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं तो मैं सीधे आपके पास चला आता, मुझे कुछ पता ही नहीं था तो मैं क्या करता। ये बाबूराम तो तोताराम निकला, एक ही बात की रट लगा रहा है कि मर्डर के वक्त इंदौर में ही था। सच में था मालिक, बाबूराम 15 और 16 सितंबर और उसके पहले और बाद में इंदौर में ही था। बाबूराम रॉन्ग नंबर है। तो सही नंबर क्या है बे? निकम्मो, तुम लोग काम कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? जा तू। मालिक, ये दोनों कत्ल होते वक्त चोरी भी हुई थी क्या? नहीं। ठीक। क्यों पूछा तूने? होनी चाहिए थी क्या? पहले भी हुई थी ना चोरी, तो इसलिए सोचा कि वो। कब हुई थी? जुलाई या अगस्त में। किसने की थी चोरी? निकाल बाहर, निकाल निकाल बाहर, मेरा सब्र बता आज, जो जो चुराया सबका सब बाहर निकाल, निकाल। सारे के सारे निकाल अमित, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। इतने ही थे तेरी अलमारी में? और ज्यादा बहुत मत बुड्ढे। क्या बोला बुड्ढा? तेरी तो क्या हुआ, हुआ क्या है? अरे मेरी बाहर हाथ क्या लग गई,
ये घर के अंदर घुस गया चोरी करने के लिए और ऊपर से पत्नी से अलग कर रहा है। सौ की सिर्फ दो पत्तियां ली थी मैंने और कौन सा बड़ा इतना खजाना लूट लिया जो फुदक रहा है इतना। हाँ चल थाने, चल थाने, तो थाने, चल चल रोक। इसीलिए राजन ने इन दोनों भाइयों को घर में पनाह नहीं दी, अपनी माँ की देखा देखी मैं क्रिमिनल बनने की तैयारी में है। तेने वो लड़का अमित शालिनी का भाई जर्सी है, जब नरेंद्र जी के घर रहता था ना तब भी उसने दो तीन बार पैसे चुराए थे अपनी बहन के पर्स से, तब भी शालिनी ने उसे डांटा था। अमित क्या तुम 15 सितंबर की रात 16 सितंबर की सुबह अपने जीजा राजन के घर गए थे? आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने बताया ना उस रात घर पर ही था, ये कहीं नहीं गया था। तुम तो रहने ही दो, तुमने भी कमजोर नहीं बोले हमसे, बहुत कुछ छुपाया है। अमित जवाब दो, आप लोग ये सवाल कर ही क्यों रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हैं कि इसने, इस बच्चे ने मेरे पति और ससुर को मार दिया? होश में तो है आप लोग? ये रहता है होश में कभी? नशे के लिए पैसे नहीं चुराता? कभी इसने बताया तुमसे कि राजन के घर से जब तुम लोग अपनी माँ के घर चले गए थे उसके बाद ये राजन के घर गया था एक बार चोरी करने, तुम्हारे ससुर ने इसे रंगे हाथ पकड़ा था? देखिए सर, 100-200 रुपए चुराना एक बात है और दो लोगों का कत्ल कर देना दूसरी। और मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूं कि अमित उस रात घर पर ही था। अमित जो भी सच है बता दे, वरना तेरी मुसीबत और बढ़ेगी। सर आप मेरे भाई को ऐसे धमकी नहीं दे सकते। सवाल अमित से हो रहे हैं, जवाब भी अमित देगा। अमित क्या ये दोनों मर्डर्स तुमने किए हैं? सर आप शालिनी बोलो, अमित क्या ये दोनों मर्डर्स तुमने किए? किसके मर्डर? अपने जीजा राजन और उसके पिता नरेंद्र पाटीदार के मर्डर। नहीं ये अमित टस से मस नहीं हो रहा है, एक ही जवाब, मैंने नहीं किया। और हम कोई और तरीका अपना भी नहीं सकते, माइनर है लड़का। सर हमारे हाथ में कुछ ठोस होना ही चाहिए जिससे अमित का झूठ पकड़ा जाए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अमित ड्रग एडिक्ट है, अगर वो राजन के घर पैसे लेने गया और वहां पर वो राजन और राजन के पिता नरेंद्र का कत्ल करता है और पैसे नहीं लेता, क्यों? जबकि कैश तो था घर पर। शायद पैसे पहले ही मिल गए होंगे अमित को, हम सुपारी का एंगल ढूंढ रहे थे, शायद सुपारी दी नहीं गई हो, इस नाबालिग से करवाया गया हो। अमित चर्सी है, चर्सी की टोलियों के साथ उठता बैठता है, 24 घंटे नशे में रहता है, क्या वो अकेला दो दो लोगों का कत्ल कर पाता? सब अंदर आऊं क्या? कुछ काम की खबर लाया गुरु। ये शालिनी का भाई अमित भी रॉन्ग नंबर है। तूने मिलाया क्या? हाँ साहब, अब देखिए ये अमित अकेला दो दो मर्डर तो नहीं कर सकता है, कम से कम दो लोग लगते इस काम के लिए। मैंने इसके चर्सी की टोली को खूब खंगाला है, कोई भी ये काम मुफ्त में नहीं करेगा और ना ही ऐसी कोई खबर है। इतने नशे में रहने वालों की जुबान फिसलती है साहब, लेकिन इसने कभी भी अपने किसी भी साथी को कुछ भी नहीं बोला है। शालिनी कह रही थी कि उस रात अमित घर पर ही था, उसका क्या? सर ये साबित करने के लिए कोई सबूत तो नहीं है, पर इस बात का भी क्या सबूत है कि अमित राजन के घर गया था? सर एक बात बोलूं साहब, राजन मरते वक्त फुल दारू के नशे में था, अंदर के कमरे में घंटी बजी होगी तो पूरे चांसेस है कि राजन तो उठ के नहीं गया होगा दरवाजा खोलने के लिए, बाहर इसका बापू नरेंद्र सोया हुआ था, तो हो सकता है कि दरवाजा खोलने नरेंद्र उठा हो। अब सोचिए सर, अगर ये अमित वहां गया होता तो क्या नरेंद्र उसे देखकर भड़कता नहीं, चिल्लाता नहीं, उसे अंदर ले लेता और फिर खुद बाथरूम की ओर चला जाता जहां पहले अमित उसे मारे फिर राजन को मारे? रॉन्ग नंबर पर रॉन्ग नंबर, पता नहीं सही नंबर क्यों नहीं लग रहा इस केस में। क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई टेक्निकल सबूत नहीं है कि उस रात किसी की बात हुई राजन के साथ, फिर वो जान पहचान वाला शख्स राजन के घर आया हो, राजन के साथ बैठकर कमरे के अंदर उसने शराब पी हो, फिर राजन को मार दिया हो, राजन के बाप को भी। सर मौत सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में हुई, यानी जो भी शख्स आया होगा कातिल रात भर रुकने के इरादे से ही आया होगा। कुल मिलाकर एक ही एंगल में दम लग रहा है इस वक्त और वह है खुद शालिनी। लेकिन सवाल यह है कि क्या शालिनी अपनी छोटी सी बच्ची कशिश और दो नाबालिग भाइयों को अकेले घर पर छोड़कर अपने पति के घर जाती उस रात को और पूरी रात वहां रहती और फिर सुबह 5:30 से 6:30 के बीच दोनों का कत्ल करती और वापस अपने घर लौटती जहां से शुरुआत की थी, घूम घाम कर फिर वहीं लौटे थे। हम इस केस का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे,
समझ नहीं पा रहे थे कि हम कहां चूक रहे हैं। फिर हमारी उंगली एक ऐसे एंगल पर पड़ी जो इस केस का हिस्सा जरूर था लेकिन इस डबल मर्डर की वजह हो सकता है इस तरह उभर कर नहीं। इस एंगल का ख्याल हमारे दिमाग में 2 महीने बाद आया जब हम अंधी गलियों में चक्कर काट काट कर थक से गए थे। वो एक्सीडेंट, शालिनी की छोटी बहन सोनिया के पति धीरज गुर्जर का जो एक्सीडेंट हुआ था, वो वाकयात क्या वाकई में एक्सीडेंट था? आपको लगता है सर वो एक्सीडेंट नहीं था? वही सोच रहा हूं। देविका याद है धीरज के छोटे भाई सिद्धेश ने तुमसे क्या कहा था? ये जो सोनिया भाभी की माँ ने उस लड़की से जो धंधा कराया ना, हाय लग गई है पूरी फैमिली, सबकी लाइफ खराब हो गई मैडम, किसी की करनी और सबकी भरनी। एक तरीके से उसकी ये बात इस बात को अंडरलाइन करती है कि ये सारे हादसे डॉली के ट्रैफिकिंग केस से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। उस केस के तो हर पहलू को हमने खंगाला, ट्रैफिक को ही उस बच्ची कोमल महतो तक भी हम पहुंचे, उसकी अपनी दुखद कहानी थी, पर इस डबल मर्डर से जुड़ा कुछ भी नहीं मिला सर। और वो एक्सीडेंट, क्या ये धीरज का एक्सीडेंट वाकई में एक्सीडेंट था या फिर ये एक्सीडेंट एक अटेम्प्ट टू मर्डर था? धीरज और राजन के बीच में कोई आपसी रंजिश हो, क्या आपका इशारा इस ओर है? इन दोनों दामादों के बीच अनबन हो सकती है। इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट मंगवाओ। सर। हाँ देविका, कुछ मिला? कह नहीं सकते सर, लेकिन धीरज के फोन रिकॉर्ड से इतना तो क्लियर है कि धीरज और राजन के बीच में काफी बातचीत होती थी। इनफैक्ट शालिनी, शालिनी की बहन सोनिया, उसका पति धीरज, उसका छोटा भाई सिद्धेश और शालिनी का पति राजन, इन सभी के बीच में काफी बातचीत होती थी। आखिर रिश्तेदार हैं, अब इनमें से कैसी रंजिश कब किसके बीच में शुरू हुई ये पकड़ में नहीं आ रहा है सर। धीरज की एक्सीडेंट रिपोर्ट आ गई है। धीरज की बाइक जिस कार से टकराई थी वो कार अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है सर। कार थी? जी हाँ सर। सर धीरज के एक्सीडेंट केस को हिट एंड रन केस करार दिया गया, कार को ढूंढने की काफी कोशिश की गई पर वो नहीं मिली। अगर धीरज का एक्सीडेंट वाकई में अटेम्प्ट टू मर्डर था तो पहले धीरज को मारने की कोशिश करना, फिर राजन और उसके साथ उसके पिता नरेंद्र का कत्ल, कोई तो घंटी बज रही है सैंगल में। क्या मुझे मार डालने की कोशिश? तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा? क्या राजन से कोई झगड़ा था तुम्हारा? नहीं तो, साड़ू भाई थे हम दोनों। एक मिनट, आप कहना क्या चाह रही है? कि राजन ने मेरा एक्सीडेंट करवाया मुझे मारने के इरादे से और बदला लेने के लिए मैंने राजन को और उसके पिता को मरवा डाला? क्या ऐसा हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था मैडम, आप लोग हताश हो रहे हैं इसलिए दिमाग के घोड़े बेलगाम दौड़ाए जा रहे हैं। कुछ कहना चाहती हो सोनिया? धीरज ने कुछ बोला नहीं मैडम, क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है शायद। तुम्हें क्या मालूम है? कुछ पता नहीं है मैडम, लेकिन जिस दिन धीरज का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन मेरे देवर सिद्धेश ने कुछ बोला था। ये एक्सीडेंट नहीं है। क्या क्या कहा तुमने सिद्धेश? नहीं भाभी, कुछ नहीं। क्या राजन और तुम्हारे पति के बीच में कोई दुश्मनी थी? क्या राजन और उसके पिता का मर्डर इसी का नतीजा है? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन जब सिद्धेश ने मुझसे कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है तब मैं बहुत परेशान हो गई और ये बात मैंने अपनी माँ से भी कही। जी हाँ, सोनिया ने बोला था मुझे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त ज्यादा जरूरी था इलाज के रुपए और उसी के जुगाड़ में मैं लगी हुई थी। और आप लोग हो कि मुझे को कसूरवार ठहराने पे तुले हुए हो। मैंने कहा ना साहब आपसे कि मैं कत्ल नहीं करवाती हूँ। तो क्या धीरज और राजन एक दूसरे को मरवा सकते थे? बिल्कुल नहीं, राजन कोई संत नहीं था, धीरज भला है, लेकिन इस हद तक दोनों कभी नहीं जाते। तो फिर धीरज का एक्सीडेंट कौन करवा सकता है? वैसे आप सिद्धेश से ही सामने से क्यों नहीं पूछ लेते कि बता तुझे ऐसा क्यों लगा? Thank you.
सिद्धेश गुर्जर हमेशा नाइट ड्यूटी करता है। पिछले 6 महीने से तो नाइट शिफ्ट पर ही है। ये रजिस्टर मुझे चाहिए, बाद में लौटा देंगे। ठीक है सर। सर मुझे ऐसा लगा क्योंकि रात 9 बजे के बाद उस रास्ते पर कोई ट्रैफिक होता ही नहीं है, रास्ता एकदम साफ होता है और धीरज भैया एकदम सेफ बाइक चलाते हैं, वहां कभी एक्सीडेंट नहीं होता, इसलिए मुझे लगा सर। जानबूझकर धीरज को किसने कार से उड़ाया मारने के इरादे से? तो कौन कर सकता है ऐसा? मुझे नहीं पता सर, मुझे बस ऐसा लगा। तुझे ऐसा लगा नहीं, तुझे पता था, तुझे पता है किसने करवाया एक्सीडेंट। नाम बोल। 15 सितंबर की रात को तू कहां था? ड्यूटी पर था। तेरे होटल का गैस रजिस्टर है, 15 सितंबर की नाइट शिफ्ट वाले पेज पर जा। ऑन ड्यूटी रिसेप्शनिस्ट में तेरा सिग्नेचर देखा हमें। ये देखिए सर, मेरा सिग्नेचर। वाइटनर लगाकर तूने अपना साइन किया। तेरे मैनेजर को अच्छी तरह से याद है, 15 सितंबर की नाइट शिफ्ट से तूने ऑफ मांगा था। 15 सितंबर सिद्धेश के मौजूद होने के सिग्नेचर के नीचे वाइटनर लगाया हुआ है, क्यों? दिखाइए। लेकिन इस रजिस्टर पर सिद्धेश का सिग्नेचर 15 सितंबर को कैसे हो सकता है? उस रात तो वो छुट्टी पर था। मोहन सर, वो मेरे घर का एक अर्जेंट काम आ पड़ा है तो आज नहीं आ पाऊंगा, प्लीज ऑफ दे दीजिए। चला के रजिस्टर में गड़बड़ी की, अपना फोन घर पर छोड़कर गया, राजन के घर नहीं लेके गया ताकि तेरे फोन की लोकेशन राजन के घर की ना दिखे। पर तू उतना भी चालाक नहीं है सिद्धेश। तूने कहा था कि तू उस रात ड्यूटी पर था जबकि उस वक्त तेरा फोन तेरे घर पर ही था। हमने पता किया है, राजन से दोस्ती थी तेरी, तुम लोग मिलते थे, प्यार करते थे साथ में और उस रात को भी पी रहे थे। चलो क्यों मार डाला बाप बेटे को? क्या धीरज को मारने की कोशिश राजन ने करवाई थी? हाँ। क्यों और तुझे कैसे पता चला? राजन ने 23 अगस्त को फोन किया था मुझे, एक्सीडेंट के पहले ही उसने फोन किया था। हाँ राजन, क्या हाल है? बढ़िया, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, पर तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। धीरज, धीरज ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है चल। मैं हैरान था कि ये राजन अचानक धीरज भैया का हालचाल क्यों पूछ रहा है, और उसके कॉल के आधे घंटे बाद मुझे एक कॉल आया। हाँ धीरज भैया, कौन? राजन का फोन आता है धीरज भैया की खैरियत पूछने के लिए। उसके आधे घंटे बाद एक राह चलता आदमी धीरज भैया के फोन से कॉल करके कहता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। 2 और 2 मिलाना इतना मुश्किल भी नहीं है ना सर। राजन क्यों मरवाना चाहता था धीरज को? क्योंकि शक था राजन को सर कि उसकी पत्नी शालिनी और धीरज भैया का अफेयर चल रहा था। वाकई में अफेयर चल रहा था? नहीं था सर, धीरज भैया काफी सपोर्ट करते थे शालिनी जी को, कभी कभार उनके घर भी जाते थे हौसला देने सर, कभी पैसे भी देते थे। धीरज भैया शालिनी जी की मदद सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अकेली थी, अकेली अपनी छोटी बच्ची कशिश और 2 भाइयों को संभाल रही थी। मैं राजन के साथ पीने बैठता था छुट्टी के दिन, तो 2-4 बार राजन ने पूछा भी था मुझसे। धीरज हर तीसरे दिन जाता है वहाँ, माजरा क्या है? नहीं क्योंकि तू नहीं जाता ना इसलिए। अच्छा, मतलब तेरा धीरज भैया शालिनी की जिंदगी में मेरी जगह लेगा? राजन वो वाइफ है तेरी और तू उसके बारे में कैसी बातें कर रहा है? धीरज भैया के साथ सोनिया भाभी भी तो जाती है ना। लेकिन धीरज अकेला ज्यादा जाता है। राजन ये शक करना छोड़ दे, धीरज भैया सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं शालिनी भाभी, एक छोटी बच्ची, 2 छोटे भाई, उसमें से एक चरसी, आसान लाइफ नहीं है उनकी। राजन को शक था कि तुम्हारा धीरज के साथ अफेयर है, ये बात तुम्हें पता थी? हाँ पता थी, राजन थे ही शक के मिजाज के। इस बात को लेकर उन्होंने मुझे 1-2 बार बुरा भला भी कहा था, पर मैडम मेरा धीरज के साथ कोई चक्कर नहीं है, मेरी छोटी बहन के पति है वो, बड़ी इज्जत करती हूँ उनकी क्योंकि वो हमारी काफी मदद करते हैं। कहीं
लेकिन राजन ने तो वो एक्सीडेंट राजन ने ही करवाया था, इसलिए बदला लेने के लिए तूने राजन को मार डाला और साथ में उसके बूढ़े बाप को। धीरज भैया का एक्सीडेंट होने के बाद मैं आग बबूला हो गया था सर, और डर भी गया था कि राजन धीरज भैया को फिर से मारने की कोशिश करेगा। मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही थी सर। हाँ, मैं राजन को मार डालना चाहता था। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, जॉब से ऑफ भी ले लिया, चाकू भी ले लिया, पर पीने के बीच में मैंने मन बदल दिया, सोचा नहीं मारता हूँ। मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। बस उसके बाद हम लोग बातें करते रहे थोड़ी देर और फिर सो गए। तब मुझे एक बुरा सपना आया। मैंने सपने में राजन को देखा, वो धीरज भैया को छुरा मार रहा था। तब मैंने सोचा बस अभी उठाता हूँ राजन को और पूछता हूँ, राजन धीरज भैया का एक्सीडेंट तूने कराया था क्या? एक्सीडेंट के पहले तूने फोन किया था ना मुझे धीरज भैया की खैरियत पूछने के लिए, क्यों? तुझे मालूम था ना कि उनका एक्सीडेंट होने वाला है। सुदेश जाके सो जा, नहीं तो अपने घर जा। तेरा भाई इस बार तो बच गया, अगर नहीं सुधरा ना तो अगली बार नहीं बचेगा। और सुन, तूने ज्यादा टाटा की ना तो इस बार तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, आधा अधूरा नहीं, पूरा और पक्का वाला, समझा? चल चल जा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि राजन ने ही धीरज भैया पर हमला कराया था, और वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक धीरज भैया को मरवा नहीं देता। लेते जा रहा हूं। मैं समझ गया कि नरेंद्र जी ने कुछ भांप लिया था, मेरी कमीज पर खून के धब्बे देख लिए थे। अब उनको जिंदा छोड़ना बहुत रिस्की था। मैं आता हूं। मैंने राजन की शर्ट पैंट पहन ली, सबको गुमराह करने के लिए घर भी तेथर बेथर कर दिया और घर को ताला लगाकर निकल गया। शालिनी का कहना है कि उसका और धीरज का कोई अफेयर नहीं था। मैंने भी तो वही बोला था ना सर, मैंने समझाया उसे कि उसके मन का वहम है। जरूर शालिनी जी ने भी बोला होगा, पर फिर भी क्यों मारने की कोशिश की उसने मेरे भाई को? तो एक पुलिस कंप्लेन कर देता। पर साबित कैसे करता सर कि एक्सीडेंट नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर था। तो अब क्या राजन और उसके बाप को मारकर साबित कर पाया? तो एक बार मुझे बता दिया होता तो राजन का घर नहीं छोड़ना चाहिए था शालिनी। गुंजाइश नहीं रहती कोई गलत फहमी की, कुछ ना कुछ करके बारी बारी से संभाल लेते ना हमें तो रतुल को। सख्त वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। डॉली जायसवाल ट्रैफिकिंग के चार्जेस में अब भी जेल में, जल्द ही अदालत में सुनवाई शुरू होगी। दुनिया में ऐसी कोई मजबूरी नहीं हो सकती जिसका हल जुर्म हो, भले हालात कितने ही बदतर क्यों ना हो। हम तो ईमान से चलते थे, लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया, गलत किया गया, इसलिए अब हम कोई भी रास्ता अपनाएंगे। ऐसा करने का हमें लाइसेंस मिल गया है। ये सोच मूल रूप से ही गलत है। हमारे अंदर एक असुरक्षितता पनपती है जो अक्सर हमें विक्टिम कार्ड खेलने पर मजबूर करती है। हम अपने आप से एक झूठ बोल लेते हैं कि किसी और ने गलत काम किए, हम जो कर रहे हैं वो उसका नतीजा है। हमें इस सोच से दूर ही रहना चाहिए। कभी सहानुभूति या दया के लिए तरसना नहीं चाहिए, उल्टा अपने आप से कहना चाहिए कि हम मजबूत हैं, चाहे जैसी भी बाधाएं आए,
हम अपने लिए एक अच्छी खुशहाल जिंदगी बना लेंगे। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।